गुड मॉर्निंग केयर्स, वेलकम बैक टू आवर वेब क्लासेस। केयर्स, आज आपकी हिंदी की क्लास है और आज हम अपनी हिंदी की क्लास में एक एक्टिविटी करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद मी। ये आपकी बुक शब्द परिचय, आओ पढ़े सीखे और आगे बढ़े। ओपन योर बुक, पेज नंबर 26। ओके किड्स, तो आज की हमारी एक्सरसाइज है शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। इस साइड हमारे वाक्य दिए गए हैं और इस साइड हमें बिल्कुल सही करके, जिसका सेंस निकलता हो, ठीक है, जिसका कोई मतलब निकलता हो, उस टाइप के वाक्य बनाने हैं उन्हीं शब्दों से। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, व न वन, ज य ज, अ ब अब, च ल चल, त क तक। वन, ज, अब, चल, तक, इसका कोई मतलब नहीं निकलता ना बेटा। तो अब हम इन शब्दों को सही क्रम में लगाएंगे, ज, अब, वन, तक, चल। ओके, ये हमारा मीनिंगफुल वाक्य हो गया है और इसी टाइप से हमें और भी वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। ओके, क ह कह, ल व लव, स च सच, स ब सब, कह लव सच सब। तो ये कोई मीनिंगफुल वाक्य नहीं है। तो अब हमें इन शब्दों को सही क्रम में रखना है। जैसे पहले क्या आएगा, लव, तो यह हम लिखेंगे लव, ल व लव, लव। उसके बाद स ब सब, स ब सब। नेक्स्ट जो शब्द हमारा क्या है, स च सच, स च सच। और लास्ट में क्या आएगा, क ह कह, क ह कह, और यहां आएगा पूर्ण विराम, लव सब सच कह। ये हमारा मीनिंगफुल वाक्य बन गया है, ठीक है बेटा। हमें इन शब्दों को रीअरेंज करना है, सही क्रम में लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट है, ब क बक, ब क बक, अ ब अब, म त मत, कर कर, बक बक अब मत कर। तो ये कोई मीनिंगफुल वाक्य नहीं है और हमें इसको मीनिंगफुल वाक्य बनाना है, तो इन शब्दों को रीअरेंज करना है। कैसे, पहले क्या आएगा, अब अब, फिर बक बक मत कर। तो अब हम लिखेंगे, ओके, पहले क्या लिखेंगे, अब, अ ब अब, ओके, बक ब क बक। नेक्स्ट इज ब क अब, बक बक। नेक्स्ट आएगा मत, म त मत, और लास्ट में कर, कर कर। तो अब हम इसे पढ़ेंगे, अब बक बक मत कर। ओके किड्स, तो हमारे मीनिंगफुल वाक्य बन गया है। और हमारा नेक्स्ट वाक्य क्या है, म त मत, ह ठ हट, य श यश, अ ब अब, कर कर। अब इसको रीअरेंज करना है, यश अब हट मत कर।
तो फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या आएगा, यश, य श, यश, अ ब, अब, हट, ह ठ, हट, म त, मत, क र, कर, और ये हमारा पूर्ण विराम। तो हमारा सेंटेंस क्या बना बेटा, यश, अब, हट, मत, कर। ओके किड्स, तो आप समझ रहे हैं ना मैम आपको कैसे सिखा रही है। तो हमारा नेक्स्ट वाक्य क्या है, ट ब टब, र ख रख, ज य जे, ढ क ढक, कर कर। तो इसको रीअरेंज करना है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकलाना बेटा। तो इसमें पहले क्या आएगा, जे जे टब ढक कर रख। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, जे ज य ज, ओके, तब त ब, तब ध क, ढक क र, कर र ख, रख और पूर्ण विराम। तो हमारा क्या सेंटेंस बना बेटा, जे टब ढक कर रख। ओके, तो आप इस एक्सरसाइज में इन शब्दों को सही क्रम में रखकर उचित वाक्य बनानी है, यानी मीनिंगफुल वाक्य बनाने हैं। ओके किड्स, और वाक्य बनाने के बाद आप पिक क्लिक करके मैम को सेंड करेंगे। ओके, बाय बाय।